और फिर पास आ जाना यार, फिर बार बार क्यों डबल टाइम। चलिए हाँ जी हाँ, इस सीक्वेंस के बारे में बताइए क्या हुआ है। सीक्वेंस ये हुई है कि हम पूरी फैमिली टीवी देख रहे हैं और अचानक से टीवी में सुल्तान अपनी माँ के साथ आ जाए कि मोहन कुंद्रा का असली औलाद मैं हूँ, आर के नाजायज़ है। एंड ये एक कुछ ट्विस्ट है स्टोरी में जो हम रिवील नहीं कर सकते। तो फिलहाल अभी हम टीवी देख रहे हैं, आरके की एंट्री होती है, आरके टीवी देखता है, उसका बहुत गुस्सा आता है। इतनी देर में मधुबाला के मोबाइल पे सुल्तान का फोन आता है, वो आरके को पता चल जाता है और जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत गर्मा जाता है। ये सीक्वेंस चल रहा है। तो इस सीक्वेंस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सीक्वेंस के बारे में? इन्होंने जितना कहा उतना ही काफी है, बस अब आरके आरके अब धीरे धीरे इंस्टिगेट होता जा रहा है, ऐसे स्टेज पर आ रहा है कि वो उसका गुस्सा और उसको अपना गुस्सा काबू में रखना मुश्किल हो जाएगा। तो वो ऐसे वक्त पे कुछ भी कर सकता है, कोई भी कदम उठा सकता है और हम सब बस पूरी फैमिली इसी टेंशन में है कि वो अब क्या करेगा, कहीं वो कुछ ऐसा ना कर दे जो उसे नहीं करना चाहिए। आपको क्या लगता है क्या मोड आएगा इसके बाद, मतलब आप रिवील तो नहीं करना चाहते फिर भी क्या मोड आएगा? हमें आगे कुछ पता ही नहीं होता, लेकिन अगर मैं स्टोरी आगे बढ़ाता पता नहीं क्या होने वाला। नहीं फिर भी सर ये सीक्वेंस मतलब इतना एग्रेसिव हो गया है आरके किसी स्टूडेंट को लेके, तो फिर उसका एग्रेशन कहाँ तक मतलब सीरियल में क्या? देखो आरके ने ना अभी दारू पीने भी शुरू कर दी है, तो दारू के नशे में कुछ भी कर सकता है। और जो अभी हुआ है ना, जो सुल्तान ने बोल दिया टीवी में, तो अब तो आरके को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ तक ये भी हो सकता है कि वो सुल्तान को ढूंढना शुरू हो जाएगा कि तूने बोला कैसे ऐसे। एंड मैं तो कुछ करूंगा, मैं तो कुछ तो होगा। बहुत खुशी हो रही है, आई एम वेरी हैप्पी, जैसा मैं चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है और जब तक वैसा होता रहेगा तब तक दीपाली खुश रहेगी। ये बनना सुल्तान क्या चीज है, मतलब ये क्या चाहता है एक्चुअली? टेढ़ा है बड़ा, उसको क्या चाहिए वही जाने, एज लॉन्ग एज हमारा मतलब होता है पूरा। लेकिन ये जो कैरेक्टर सुल्तान का, ये आरके को कंपटीशन दे सकता है क्या? आप पर्सनली मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा कैरेक्टर मैं नहीं जानती यार, कौन सा कैरेक्टर किसको टक्कर देगा ये मैं नहीं जानती। बट मैं सिक्की और सुल्तान के बारे में एक सिमिलैरिटी बता सकता हूँ, दोनों बहुत कंफ्यूज हैं। तो एक कंफ्यूजन सी है दोनों के दिमाग में, एज फॉर सिक्की एज फॉर सुल्तान देयर इज अ कंफ्यूजन। और बाकी आप पूछो। हो गया। ये मोहन डोगरा आपने कहा क्या? मोहन कुंद्रा कुंद्रा सॉरी। ये जो सीन है सीमा, क्या कर रहे हैं हम इसे? तुमने पढ़ा? है ना, हमारी तो लाइंस भी नहीं, हम क्या कर रहे हैं? थैंक यू, मेरी और सिकंदर और सीमा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। एंड वी विश दैट व्यूअर्स यू नो लाइक आवर इंटरव्यू, दे लव आवर केमिस्ट्री ऑन स्क्रीन। तो ये इंटरव्यू में भी हमारी केमिस्ट्री उनको बहुत पसंद है। थैंक यू। माइक पर दीजिए, बहुत है। बहुत है। यू आर वर्किंग सर फिल्म एज वेल ना, इसके अलावा अपने फिल्म में काम किया ना? राइट, आई हैव सीन वन एक दो फिल्में देखी मैंने आपकी, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द एग्जैक्ट किस फिल्म में देखा था। चल चल यार, इतना टाइम नहीं है भाई, झोल हो गया, मतलब सब टीम काम आ गया। हाँ, उसमें मेमोरी कार्ड ही अलग लगता है, वो मेमोरी कार्ड ये लगा था, ये सब पता नहीं था। और मैंने विजय से छोटा मेमोरी कार्ड मंगाया, उसमें एक स्लॉट था, सीधे आवाज सुन क्या हुआ, उसमें एक स्लॉट था ऐसा प्लास्टिक की चिप जैसा, चिप में फिट करके उसको अंदर,
मैं और विजय लगे पड़े वो छोटा वाला मेमोरी कार्ड उसके अंदर डाल डाले ऐसे लगा ही नहीं है। फिर फाइनली जब मैंने देखा सिम कार्ड निकाला